ये देखें जी, ठंड के मारे जान की जा रही है। तीन चीजें पहनी हुई थी, स्वेटर के ऊपर दो चादरें। और ये देखो क्या देख रहा है सफा छल्ला, क्या देख रहा है पूरा इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद सीरीज चल रही है, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि साजिद भाई ने नई गाड़ी खरीदी है, तो उस गाड़ी की खुशी में साजिद भाई ने हमें दी है पार्टी। तो हम सब जा रहे हैं मुनाल रेस्टोरेंट, साथ में लेकर चलते हैं आपको, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये देखो नीचे इस्लामाबाद नजर आ रहा है। इस्लामाबाद का भी बहुत प्यारा सीन है। नीचे हमारा घर था, हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर सब ऊंची पहाड़, हमारा नीचे घर था। मामा के फूल टमाटर डालने लगे, नहीं डालने से नहीं लगे भाई, टमाटर तो पहले भी आया है। ये हम जी ऊपर आ गए हैं पार्किंग में मुनाल की। अब चले हैं रेस्टोरेंट और चल कर देखते हैं कि क्या ऑर्डर वगैरह करते हैं, और नीचे से सारा आपको व्यू भी दिखाऊंगा और होटल भी दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं और रश बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जितनी चीज़ें कवर हो सकी वो करूंगा, फिर बाकी चीज़ें बाद में इंशाल्लाह। बंद कर रहे A few moments later. गाइस
इस्लामाबाद उत्तर नजर आते ही आई फैसल मस्जिद की जी है ना उन्होंने ये समझ कर मैं हवा रेनू क्या कर रहा तू सर्दी लग रही है दाऊ इधर देखो ये जी रश बहुत ज्यादा था बड़ी मुश्किल से जो अरेंज करवाया हो गया अभी मेन्यू डिसाइड करते हैं और फिर इंशाल्लाह खाएंगे जो भी ऑर्डर होता है जी जी बेटा दोबारा रिपीट करो पक्की बात है जी। सलवा मुझे कह रही है जी कि पाकिस्तान ज्यादा खूबसूरत है कनाडा से तो हम जीतते हैं यहाँ पर कनाडा से ठीक है आपको जगह ये कैसी लगती है और इसके बारे में ये कहा कहते हैं कि ये जो डाइनिंग हॉल है ना ये एशिया का सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल है यानी कि जहाँ पर हम बैठे हैं ये सबसे ज़्यादा लोग इस जगह पर बैठ सकते हैं अब साहिद भाई ने अब्बू को फ़ोन लाया हुआ साहिब हॉल में बच्चे सारे उनसे बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं उनको सारा जहाँ पर भी हम देखो अबू के साथ बात कर रहे हैं दाऊ अबू के साथ बात कर रहे हैं ये आप जी मुझे सर्दी लग रही थी तो ये उन्होंने शॉल हमें दी है बच्चों ने भी डाल दी है और मैंने भी डाल दी है तो अभी प्राइस आई है तो प्राइस खाने का दिया पहले जैनू क्या कह रहा तू जैनू क्या कर रहा यार जैनू जी अब खाना हमारा आ गया खाना हम खाने लगे हैं और बाकी बातें आपसे बाद में होंगी खाना हमने खा लिया जी खाना लेकिन साइज बहुत ज़्यादा मंगवा लिया था काफ़ी बचा हुआ बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं खाया तो हमारे पास काफ़ी बच गया खाना सर्दी भी हो गया और बच्चों को सर्दी भी बहुत लग रही है ये सफ़ा को भी आप ये देखें ना ऊपर हीटर लगा होगा उसके नीचे आप किया सलवा को भी बहुत सर्दी है स्पेशली रात को पहाड़ों पे बहुत सर्दी सड़क भी बहुत अब दुआ का करें आपको कुछ कहना है तो मैं उसकी तरफ कैमरा करने का इतनी ठंड हो रही है कि मेरा मुंह ही मैं सुखा रही है ओए सर्दी हो रही है दिल करता है मैं सर्दी को ना भगा दूं डंडे मार मार के ये देखें जी सफा सलवा का क्या बना है ये देखें ये -40 से आई हैं और ये हाल है इनका यहाँ पर अभी प्लस में जा रहा है टाइम 24-25 होगा ये हाल हो गया वो
ये भी रुका हुआ। ये देखें दोना मम्मा दुआ सो गया, यहाँ मुनाल आए थे तो दुआ सो गया, सर्दी लग गई थी इसे ब्लैंकेट लिया और वो सो गया। और वो देखें जी जैनी क्या कर रहा है, दाउट किया जी, आप दाउट किया हो। ये देखें जी ठंड के मारे जान की जा रही है, तीन चीजें पहनी हुई नीचे स्वेटर के ऊपर दो चादरें और ऊपर ये हुडी और ये। ठीक है जी, अब जाने लगे हैं यहाँ से, ठीक है निकलने लगे हैं, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अभी कार। जैनू क्या कर रहा है जैनू, इधर से इधर से सामने। आज बेटा ये जाना है,